आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको आधार में मोबाइल नंबर लिंक कौन सा है वो चेक करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूछ दिया जाए कि भैया आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो वो बोलता है कि हमें चेक करना नहीं आता है कि मेरे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप कैसे चेक करेंगे। कभी कभी होता है कि हमें कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं या हम CSC जैसे सर्विसेज के लिए हम अप्लाई करते हैं तो मेरे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उस पे मैसेज आता है, ठीक है, तभी हम CSC जैसे पोर्टल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मेरे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है यही पता नहीं होता है। अब इस सिचुएशन में हम साइबर कैफे में जाते हैं या दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें 50 से 60 रुपया ले लेता है बस यही चेक करने के लिए कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। जबकि आप ये घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। बहुत ही सिंपल और छोटी ट्रिक है। आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता ही है और आप बहुत ही इजीली तरीक़ा से उसको चेक कर सकते हैं कि अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अब कैसे अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये चेक करने के लिए आपको तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से ये चेक किया जाता है कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको चेक करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे uidai.gov.in तो आपके सामने UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आधार सर्विस। आधार सर्विस में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आधार सर्विस में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वेरीफाई एन आधार नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइपिंग कर देना है, आपका वही आधार नंबर टाइपिंग कर देना है जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे इस आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो जो भी आधार नंबर में आप यहां टाइपिंग कीजिएगा चेक करने के लिए कि मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, वो आपका आधार नंबर आपको यहां पे टाइपिंग कर देना है। आधार नंबर यहां पे टाइपिंग करने के बाद यह कैप्चा आपको यहां पे फिलअप करना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को यहां से जाके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो भी कैप्चा आता है यहां पे कैप्चा पे डाल के यहां प्रोसीड टू वेरीफाई पे ओके करेंगे। चलिए यहां पे मैं दिखा देता हूँ अपना आधार नंबर डाल के। आधार नंबर जैसे मैं यहाँ डालूँगा यहाँ देखिए ग्रीन हो जाएगा। चलिए मैं आधार नंबर यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। देखिए मैं जैसे यहाँ पर अपना आधार नंबर डाला यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के प्रोसीड टू वेरीफाई पे ओके कर देना। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा में ही यहाँ पे आप डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद सिंपली प्रोसीड टू वेरीफाई पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर देखिए कि एज बैंड, मतलब आपका एज 20 से 30 साल के अंडर में है। इसके बाद यहाँ जेंडर भी आपको मिल जाता है देखने को, तो यहाँ मेल है फीमेल वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टेट कौन सा है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको आ जाता है मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर चेक कर सकते हो और आप इससे समझ सकते हो कि आपका ये कौन सा मोबाइल नंबर है या आपका कौन सा मोबाइल नंबर था। तो आप यहां से अपना मोबाइल नंबर को बहुत ही आसानी और आसान तरीक़े से आप यहां से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने मेरा वीडियो को
लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को बटन को प्रेस कर ले। बेल के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि मैं इस तरीके से नया नया और लेटेस्ट वीडियो मैं पर डे अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे चेक किया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।